श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस अध्याय से अब तक हम पढ़ चुके हैं 16 श्लोक। तो पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा कि भगवान बताते हैं कि शारीरिक तप क्या होता है, शरीर से तप कैसे किया जाता है, वाणी का तप क्या होता है और मन का तप क्या होता है। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले उन श्लोकों का सार फिर से आपके लिए। हे भरत श्रेष्ठ, सदैव ही फल वासना जिसमें बसी, दंभाचरण हित जो किया वह यज्ञ जानो राजसी। यानी फल कामना से किया जाने वाला यज्ञ राजसी। विधि अन्न दान विहीन जो बिन दक्षिणा के हो रहा, बिन मंत्र श्रद्धा यज्ञ जो वह तामसी जाता कहा। तो ऐसा यज्ञ जिसमें ना विधि है, ना दक्षिणा है, ना दान है, ना मंत्र है, वो तामसी है। सुर द्विज तथा गुरु प्राग पूजन ब्रह्मचर्य सदैव ही, शुचिता अहिंसा नम्रता तन की तपस्या है यही। सच्चे वचन हितकर मधुर उद्वेग विरहित नित्य ही, स्वाध्याय का अभ्यास भी वाणी तपस्या है यही। सौम्यत्व मौन प्रसाद मन का शुद्ध भाव सदैव ही, करना मनोनिग्रह सदा मन की तपस्या है यही। तो अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में क्रमतः सात्विक, राजस और तामस तप का वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत् त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिर्भियुक्तैः सात्विकं परिचक्षते। यानी परम श्रद्धा से युक्त, फलेच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा जो 3 प्रकार से शरीर, वाणी और मन का तप किया जाता है, उसको सात्विक तप कहते हैं। वह तप ही मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है और यही मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति का अचूक उपाय है, तथा इसको सांगोपांग अच्छी तरह से करने पर मनुष्य के लिए कुछ करना बाकी नहीं रह जाता, अर्थात जो वास्तविक तत्व है उसमें स्वतः स्थिति हो जाती है। तो अफलाकांक्षी भी युक्त ही नरे, यानी यहाँ मनुष्य में यह विशेषता है कि वह सद्गुण सदाचारों का सांगोपांग एवं विशेषता से अपने में वो ला सकता है, तो और दुर्गुण दुराचार कामना मूढ़ता आदि दोषों को सर्वथा मिटा भी सकता है। तो निष्काम भाव ऐसा मनुष्यों में ही हो सकता है। तो सात्विक तप में तो नर शब्द दिया है, परंतु राजस तामस तप में मनुष्यवाचक शब्द दिया ही नहीं। तात्पर्य है कि अपना कल्याण करने के उद्देश्य से मिले हुए अमूल्य शरीर को पाकर भी जो कामना दंभ मूढ़ता आदि दोषों को पकड़े हुए हैं, वे मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। तो फल की इच्छा न रखकर निष्काम भाव से तप का अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों के लिए यहाँ उपयुक्त पद आए हैं। अब तपस त्रिविधम, यहाँ केवल सात्विक तप में त्रिविध पद दिया है और राजस तथा तामस तप में त्रिविध पद न देकर या तत् पद देकर काम चला लिया गया है। तो इसका आशय है कि शारीरिक, वाचिक और मानसिक 3 तप केवल सात्विक में ही सांगोपांग आ सकते हैं, राजस तथा तामस में तो आंशिक रूप से ही आते हैं। इसमें भी राजस में कुछ अधिक लक्षण आ जाएंगे, क्योंकि राजस मनुष्य का शास्त्र विधि की तरफ ख्याल रखता है, परंतु तामस में उन तपों के बहुत ही कम लक्षण आएंगे, क्योंकि तामस मनुष्यों में मूढ़ता, दूसरों को कष्ट देना आदि दोष रहते हैं और विधि की तरफ भी कोई ध्यान नहीं रहता। भगवान कहते हैं कि परम श्रद्धा से युक्त फल को न चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा जो तप किया जाता है वही सात्विक तप कहलाता है, वही ग्राह्य है, वही मुक्ति देने वाला है और वही कर्तव्य भी है। अगला श्लोक है, सत्कार मान पूजार्थम तपो दंभेन चैवयत क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम
चलम ध्रुवम, यानी जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के भाव से भी किया जाए वह इस श्लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला राजस कहा गया है। तो राजस मनुष्य सत्कार मान और पूजा के लिए ही तप किया करता है। जैसे कि हम जहाँ कहीं जाएंगे वहाँ हमें तपस्वी समझकर लोग हमारी अगवानी के लिए सामने आएंगे, गांव भर में हमारी सवारी निकलेगी, जगह जगह लोग हमें उत्थान देंगे, हमें बैठने के लिए आसन देंगे, हमारे नाम का जय घोष करेंगे, हमसे मीठा बोलेंगे, हमें अभिनंदन पत्र देंगे इत्यादि बाह्य क्रियाओं द्वारा हमारा सत्कार करेंगे। लोग हृदय से हमें श्रेष्ठ मानेंगे कि ये बड़े संयमी सत्यवादी अहिंसक सज्जन हैं, वे सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा हम में विशेष भाव रखेंगे इत्यादि हृदय के भावों से लोग हमारा मान करेंगे। जीते जी लोग हमारे चरण धोएंगे, हमारे मस्तक पर फूल चढ़ाएंगे, हमारे गले में माला पहनाएंगे, हमारी आरती उतारेंगे, हमें प्रणाम करेंगे, हमारी चरण रज को अपने सिर पर लगाएंगे और मरने के बाद हमारी वैकुंठी निकालेंगे, हमारा स्मारक बनाएंगे और लोग उस पर श्रद्धा भक्ति से पत्र पुष्प चंदन वस्त्र जल आदि चढ़ाएंगे, हमारे स्मारक की परिक्रमा करेंगे इत्यादि क्रियाओं से हमारी पूजा करेंगे। तो भीतर से तप पर श्रद्धा और भाव न होने से भी बाहर से केवल लोगों को दिखाने के लिए आसन लगाकर बैठ जाना, माला घुमाने लग जाना, देवता आदि का पूजन करने लग जाना, सीधे सरल चलना, हिंसा न करना, ये दंभ के लक्षण हैं। फिर है तद ही प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम, यानी राजस तप का फल चल और अध्रुव कहा गया है। तात्पर्य है कि जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए किया जाता है उस राजस तप का फल यहाँ चल अर्थात नाशवान कहा गया है, और जो तप केवल दिखावटीपन के लिए किया जाता है उसका फल यहाँ अध्रुव अर्थात अनिश्चित फल मिले या न मिले, दंभ सिद्ध हो या ना हो, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि सात्विक पुरुषों का तो ऊर्ध्वलोक है, तामस पुरुषों का अधोलोक है और राजस पुरुषों का मध्यलोक है। तो इसीलिए राजस तप का फल न स्वर्ग होगा न नरक होगा, किंतु यहाँ की महिमा होकर प्रशंसा होकर खत्म हो जाएगा। राजस मनुष्य के द्वारा शारीरिक वाचिक और मानसिक तप हो सकता है क्या? फलेच्छा होने से वह देवता आदि का पूजन कर सकता है, उसमें कुछ सीधा सरलपन भी रह सकता है, ब्रह्मचर्य रहना मुश्किल है, अहिंसा भी मुश्किल है, पुस्तक आदि पढ़ सकता है, उसका मन हरदम प्रसन्न नहीं रह सकता और सौम्य भाव भी हरदम नहीं रह सकता। कामना के कारण उसके मन में संकल्प विकल्प होते रहेंगे। वह केवल सत्कार मान पूजा और दंभ के लिए ही तप करता है, तो उसके भाव की संशुद्धि कैसे होगी अर्थात उसके भाव शुद्ध कैसे होंगे? अतः राजस मनुष्य तीन प्रकार के तप का सांगोपांग नहीं कर सकता। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्ताम समुदाहृतम्। यानी जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। तो तामस मनुष्य का उद्देश्य ही दूसरों को कष्ट देने का, उनका अनिष्ट करने का रहता है, अतः ऐसे उद्देश्य से किया गया तप तामस कहलाता है। अब सात्विक मनुष्य फल की इच्छा न रखकर परम श्रद्धा से तप करता है, इसलिए वास्तव में वही मनुष्य कहलाने लायक है। राजस मनुष्य सत्कार मान पूजा तथा दंभ के लिए तप करता है, इसलिए वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं, क्योंकि सत्कार मान आदि तो पशु पक्षियों को भी प्रिय लगते हैं और वे बेचारे दंभ भी नहीं करते। तो तामस मनुष्य पशुओं से भी नीचे बताए गए हैं, क्योंकि पशु पक्षी स्वयं दुख पाकर दूसरों को दुख तो नहीं देते, पर यह मनुष्य स्वयं भी दुख पाते हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं। तो परिशिष्ट भाव यहाँ पर यही है कि मूढ़ ग्राहेण में तो शुद्ध तमोगुण है, पर परस्योत्साधनार्थम में रजोगुण मिला हुआ है। मूढ़ता तमोगुण है, स्वार्थ भाव क्रोध आदि राजस है, क्रोध रजोगुण से पैदा होकर तमोगुण में चला जाता है और क्रोधात् भवति सम्मोह।
क्रोध से सम्मोह पैदा होता है। तो अब भगवान आगे के तीन श्लोकों में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस दान के लक्षण बता रहे हैं। दातव्यम इति यद्दानम् दीयते अनुपकारिणे देहे काले च पात्रे च तद्दानम् सात्विकम् स्मृतम्। यानी दान देना कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है। तो यहाँ परिशिष्ट भाव यही है कि सात्विक दान वास्तव में त्याग है, वह दान नहीं है। इसलिए कहा गया है कि एक गुना दान सहस्र गुना पुण्य, क्योंकि उस दान से सहस्र के साथ संबंध जुड़ता है, परंतु त्याग से संबंध विच्छेद होता है। दान के बदले में कुछ पाने की कामना करने से वह राजस हो जाता है, और इस राजस भाव का निषेध करने के लिए भगवान ने हमेशा बताया है अनुपकारिणे पद से। तो गीता में वर्णित सात्विक गुण त्याग की तरफ जाता है, इसलिए भगवान ने इसे अनामय कहा है। और सत्वगुण संबंध विच्छेद त्याग करता है, रजोगुण संबंध जोड़ता है, और तमोगुण मूढ़ता लाता है। तो यहाँ पदार्थों के भी इन्होंने दो अर्थ बताए हैं। तो जिस देश में जो चीज़ नहीं है उस चीज़ की आवश्यकता है, उस देश में वह चीज़ देना, जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता है उस समय वह चीज़ देना, और जिसके पास जो चीज़ नहीं है और उसकी आवश्यकता और उस अभावग्रस्त को चीज़ देना, ये फर्क है। जिसके पास पहले से ही है उसी को और देना, या और जिसके पास नहीं है उसे देना, दोनों में से कौन सा दान श्रेष्ठ है। अब गंगा यमुना गोदावरी आदि नदियाँ और कुरुक्षेत्र प्रयागराज काशी आदि पवित्र देश प्राप्त होने पर दान देना, अमावस्या पूर्णिमा व्यतिपात अक्षय तृतीया संक्रांति आदि पवित्र काल प्राप्त होने पर दान देना, और वेद पाठी ब्राह्मण सद्गुणी सदाचारी भिक्षुक आदि उत्तम पात्र प्राप्त होने पर दान देना। दान के भी ये समय बताए हैं कि कब कब दान दिया जाता है और कौन सा दान कैसे दिया जाता है। तो अब ऐसा दिया हुआ दान सात्विक कहा जाता है जो ऊपर बताया, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि की जितनी चीज़ें हैं वे सबकी हैं, सबके लिए हैं, अपनी व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए अनुपकारी व्यक्ति को भी जिस चीज़ वस्तु की आवश्यकता हो वह चीज़ उसे उसी की समझकर दे देनी चाहिए। जिसके पास वह वस्तु पहुंचेगी वह उसी का हक है, क्योंकि यदि उसकी वस्तु नहीं है तो वह दूसरा व्यक्ति चाहते हुए भी उसे कोई वस्तु दे नहीं सकता। इसलिए पहले से यह समझे कि उसकी ही वस्तु उसको ही देनी थी। तात्पर्य यह है कि जो वस्तु अपनी नहीं है और अपने पास है, अर्थात उसको हमने अपना मान रखा है, उस वस्तु को अपनी न मानने के लिए उसकी समझकर उसी को दे देना। तो इस प्रकार जिस दान को देने से वस्तु फल और क्रिया के साथ अपना संबंध विच्छेद होता है वही दान सात्विक होता है। तो गीता के अनुसार दूसरे के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है, हरदम प्रसन्न रहना तप है, और उसकी चीज उसी को दे देना दान है। तो स्वार्थ बुद्धि पूर्वक अपने लिए यज्ञ तप ज्ञान करना आसुरी अथवा राक्षसी स्वभाव कहलाता है, और निस्वार्थ करना सात्विक। अगला श्लोक है, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तत् दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक और प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा जाता है। राजस दान प्रत्युपकार के लिए दिया जाता है, जैसे राजस पुरुष किसी विशेष अवसर पर दान की चीजों को गिन करके निकलवाता है। तो विचार करता है कि हमारे सगे संबंधी के जो कुल पुरोहित हैं उनको हम दान करेंगे, जिससे कि हमारे सगे संबंधी हमारे कुल पुरोहित दान करें, और इस प्रकार हमारे कुल पुरोहित के पास धन आ जाएगा। अमुक पंडित जी अच्छे हैं, ज्योतिष जानते हैं, उनको भी हम दान करेंगे, जिससे वो कभी यात्रा का, पुत्रों का, कन्याओं के विवाह का, नए मकान बनवाने का, कुआं बनवाने का शुभ मुहूर्त निकाल देंगे। यानी हम ये देख के दान करते हैं कि किससे क्या काम भविष्य में निकलने वाला है। तो इस प्रकार प्रतिफल की भावना रखकर
जो दान किया जाता है उसे प्रत्युपकारार्थ कहा जाता है। फलम उद्देश्य वा पुनः, यानी फल का उद्देश्य रखकर अर्थात परलोक के साथ संबंध जोड़कर जो दान दिया जाता है उसे राजस, उसमें भी राजस मनुष्य देश यानी गंगा यमुना कुरुक्षेत्र काल अमावस्या पूर्णिमा ग्रहण आदि और वेदपाठी ब्राह्मण पात्र को देखेगा, तब शास्त्रीय विधि विधान को देखेगा, परंतु इस प्रकार विचार पूर्वक दान करने पर भी फल की कामना होने से वह दान राजस हो जाता है। अब उसके लिए दूसरे विधि विधान का वर्णन करने की भगवान ने आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए राजस दान में देशे काले च पात्रे पदों का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पुनः पद कहने का तात्पर्य है कि जिससे कुछ उपकार पाया है अथवा जिससे भविष्य में कुछ न कुछ मिलने की संभावना है उसका विचार राजस पुरुष पहले करता है फिर पीछे दान देता है। तो अगला श्लोक है, आदेश काले यद्दानम पात्रे भ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्ताम समुदाहृतम। यानी जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। तो यहाँ पे शास्त्र में आया है कि कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है, अतः जिस किसी प्रकार से भी दान दिया जाए वह कल्याण की बात है। तो इसका तात्पर्य है कि कलयुग में यज्ञ दान तप व्रत आदि शुभ कर्म विधि पूर्वक करने कठिन है, अतः किसी तरह से देने की त्याग करने की आदत पड़ जाए, इसलिए जिस किसी प्रकार से भी हो दान देते रहना चाहिए। यहाँ पे राजस के दृष्ट का कालांतरिक फल और अदृष्टा का लौकिक फल दोनों एक जैसे दिखते हुए भी इनमें अंतर है। जैसे भोजन के परिणाम स्वरूप जो रोग आदि होंगे वह भौतिक या कालांतरिक फल है, अर्थात वह सीधे भोजन का ही परिणाम है, और पुत्रेष्टि यज्ञ आदि का जो फल होगा वह आधिदैविक या लौकिक फल है, अर्थात वह प्रारब्ध बनकर फल पुत्र आदि के रूप में आता है। और यदि राजस पुरुषों का दंभ अधिक बढ़ जाए तो वे नरकों में भी जा सकते हैं। अब स्वर्ग में भी यज्ञ आदि पुण्य कर्मों के अनुसार उच्च मध्यम और कनिष्ठ ऐसी तीन तरह की श्रेणियां होती हैं। उनमें भी उच्च श्रेणी वाले जब अपने समान श्रेणी वालों को देखते हैं तब उन्हें ईर्ष्या होती है कि ये हमारे समान पद पर क्यों आए, और मध्यम तथा कनिष्ठ श्रेणी वालों को देखकर उनके मन में अभिमान होता है कि हम कितने बड़े हैं। मध्यम श्रेणी वाले जब अपने से उच्च श्रेणी वालों को देखते हैं तो उनकी भोग सामग्री पद अधिकार आदि को देखकर उनमें जलन होती है, लालसा होती है, और कनिष्ठ श्रेणी वालों को देखकर अभिमान होता है। और हर जगह है, स्वर्ग में भी है, देवी देवताओं के बीच में भी सभी गुण विद्यमान हैं। तो कनिष्ठ श्रेणी वालों में उच्च और मध्यम श्रेणी वालों को देखकर असहिष्णुता होती है, जलन होती है कि इनके पास इतनी भोग सामग्री क्यों है और वे इतने ऊंचे पद अधिकार पर क्यों गए हैं। वे और अपने समान श्रेणी वालों को देखकर ईर्ष्या करते हैं कि हमारे समान आकर कैसे बैठे हैं, तथा जो स्वर्ग में नहीं आए हैं उनको देखकर अभिमान करते हैं कि हम तो कितने ऊंचे हैं कि हमें स्वर्ग मिल गया है। तो दूसरों की उन्नति सही न जाए, ईर्ष्या हो जाए आदि जितने भी दोष हैं वे पूर्वकृत कर्मों के फल नहीं हैं, वे सब दोष अंतःकरण की अशुद्धि के कारण ही होते हैं। और शास्त्र विहित सकाम कर्मों को करने से अंतःकरण की सर्वथा शुद्धि नहीं होती, प्रत्युत आंशिक शुद्धि होती है, जिससे स्वर्ग आदि लोगों के भोगों को लोग भोगते हैं। अंतःकरण की अशुद्धि सर्वथा तभी मिटती है जब उद्देश्य केवल भगवान का ही हो। तो अब अगला श्लोक है, यहाँ पे 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए बताई है, और दैवी संपत्ति को धारण करने वाले सात्विक मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से जो यज्ञ तप और दान रूप कर्म करते हैं उन कर्मों में होने वाली भाव विधि क्रिया आदि की कमी की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए। अब इसे बताने के लिए आगे का प्रकरण प्रारंभ कर रही है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुराः। यानी ओम तत्सत इन तीन प्रकार के
नामों से जिस परमात्मा का निर्देश संकेत किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। तो यहाँ पर ओम, तत् और सत, ये तीन प्रकार का परमात्मा का निर्देश है, अर्थात परमात्मा के तीन नाम हैं। इन तीनों नामों की व्याख्या भगवान ने आगे के चार श्लोकों में की है। तो ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा, उस परमात्मा ने पहले सृष्टि के आरंभ में वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों को बनाया। इन तीनों में विधि बताने वाले वेद हैं, अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण हैं और क्रिया करने के लिए यज्ञ हैं। अब इनमें यज्ञ, तप, दान आदि की क्रियाओं में कोई कमी न रह जाए तो क्या करें? परमात्मा का नाम लें तो उस कमी की पूर्ति हो जाएगी। जैसे रसोई बनाने वाला जल से आटा सानता गूंथता है तो कभी उसमें जल अधिक पड़ जाए तो वह क्या करता है? आटा और मिला लेता है। ऐसे ही कोई निष्काम भाव से यज्ञ, दान आदि शुभ कर्म करे और उसमें कोई कमी, अंग वैगुण्य रह जाए तो जिस भगवान से यज्ञ आदि रचे गए हैं उस भगवान का नाम लेने से वह अंग वैगुण्य ठीक हो जाता है, उसकी पूर्ति हो जाती है। तो परिशिष्ट भाव यहाँ इस महानिर्वाण मंत्र में आया है। ओम तत्सदिति मंत्रेण यो यत्कर्म समाचरेत गृहस्थो वाप्युदासीनस्तयाभीष्टाय तद् भवेत्। जपो होमः प्रतिष्ठा च संस्काराद्याखिला क्रिया। ओम तत्सत् मंत्र निष्पन्नाः सम्पूर्णाः स्युर्नः संशयः। यानी इस मंत्र से गृहस्थ अथवा उदासीन साधु जो भी कर्म आरंभ करता है उसको इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जप, होम, प्रतिष्ठा, संस्कार आदि संपूर्ण क्रियाएं ओम तत्सत् इस मंत्र से सफल हो जाती हैं, इसमें संदेह नहीं है। आज यही समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण।